तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो पब्लिसिटी स्टंट किया गया है उसके लिए 20 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया जूही चावला जी के ऊपर। बात यह थी कि भैया उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ ये कहते हुए याचिका दायर कर दी कि ये 5G टेक्नोलॉजी वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिससे लोगों की हेल्थ के ऊपर असर पड़ेगा, जीव जंतुओं के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, पेड़ पौधों के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ये नई नई पर्यावरणकर्ता या फिर एनवायरमेंटलिस्ट बनी है। तो इनको लगा कि हाँ कुछ ना कुछ पब्लिसिटी के लिए किया जाए, तो इन्होंने ये चीज कर दी। और जिस दिन याचिका दायर की गई थी उसी दिन से मुझे इंतजार था कोर्ट के फैसले का, क्योंकि यार मुझे पता था कि बिना पढ़े लिखे जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान अर्जित करते हैं और फिर वो वहां पर उसके बेस के ऊपर याचिका दायर करते हैं, पता होता है कि उनकी याचिका क्या क्या होने वाला है। कोर्ट ने वो रिजेक्ट करनी ही थी, ये पता था, लेकिन कोर्ट ने जिस तरीके का फैसला दिया वो उम्मीदों से काफी ज्यादा अच्छा था। 20 लाख रुपए उनको देने पड़े कि भैया पब्लिसिटी स्टंट थोड़ा महंगा पड़ गया आप लोगों को। जूही चावला जी के पास कितना दिमाग है ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब दिल्ली हाई कोर्ट में इनकी सुनवाई याचिका के ऊपर सुनवाई थी, याचिका के लिए इनको जाना नहीं था, ये जो चीजें थी वो ऑनलाइन होनी थी, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके पास एक लिंक शेयर किया कि आप इस लिंक पे क्लिक करिए और सुनवाई में ऐड हो जाइए। तो मैडम जी ने क्या किया, ये जो लिंक है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर पब्लिक कर दिया, जहां से इनके चाहने वालों में से कोई व्यक्ति आकर ऐड हो जाता है जब ये सुनवाई चल रही होती है। सोच कर देखो, जज बैठे हैं और यहां पर जूही चावला जी बैठी हैं, इन यहां पर सुनवाई चल रही है और ये व्यक्ति आकर जूही चावला को देखता है, भाई इनके पास इतना ही दिमाग था जितना जूही चावला मैडम के पास था। इसने अपनी बुद्धि का यूज करते हुए जूही चावला को देखा और इसने अपना गाना शुरू कर दिया। हाई कोर्ट ने इसको एक बार जो है वो ब्लॉक किया, ये व्यक्ति दूसरी बार नाम बदलकर दूसरी आईडी से ऐड हो जाता है, फिर से इसको ब्लॉक किया, फिर वहां पर हाई कोर्ट ने कहा भैया इसका पता लगाओ, इस इंसान का कौन है जो बार बार जो है सुनवाई के अंदर अड़चने पैदा कर रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसके ऊपर लगा है, व्यक्ति की पहचान हो गई है। खैर इसका तो इलाज कर दिया, साथ ही साथ जूही चावला मैडम जी का भी इलाज कर दिया, 20 लाख रुपए का पब्लिसिटी स्टंट किया है जो इन्होंने। दिल्ली हाईकोर्ट ने जब इनसे पूछा कि आपने किस बेस के ऊपर ये याचिका डाली है, तो मैडम जी ने कहा कि इससे ना लोगों को नुकसान होगा क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी खतरनाक है, क्योंकि इसके अंदर रेडिएशन होता है। इनको एक वर्ड पकड़ा दिया गया, रेडिएशन होता है। अब इनको ये नहीं पता रेडिएशन कितने प्रकार का होता है। COAI ने ये बात बोली है कि भाई इससे कोई भी खतरा नहीं है, उन्होंने बकायदा प्रूफ दिए हैं, जूही चावला मैडम जी के तरीके से नहीं, बल्कि इन्होंने बताया है कि रेडिएशन जो है वो देखो यार, रेडिएशन दो प्रकार का होता है, एक आयनाइज्ड एक नॉन आयनाइज्ड। ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, सिंपल भाषा में बताता हूं कि आयनाइज्ड जो होता है जिससे नुकसान हो जाता है, नॉन आयनाइज्ड से नुकसान नहीं होता, और 5G टेक्नोलॉजी के अंदर नॉन आयनाइज्ड है। यार देखो साउथ कोरिया के अंदर ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी चल रही है, लेकिन भारत के अंदर ये नए नए एनवायरमेंटलिस्ट आ जाते हैं अपना नाम करने के लिए, तो थोड़ा बहुत इनका इलाज करना जरूरी था। जब दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत बढ़िया फैसला देकर इनको समझाया है कि देखो यार पहले पढ़ लिख लिया करो फिर आया करो तुम। वीडियो बनाने के पीछे पर्पज ये है कि जब इन्होंने याचिका डाली थी तो बहुत ज्यादा पोस्ट शेयर किया गया था, या उससे पहले भी पोस्ट शेयर किए जा रहे थे 5G टेक्नोलॉजी को लेकर, और कहा जा रहा था कि 5G टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, इससे कैंसर होगा, इससे कोरोना तक हो जाएगा, ये चीजें भी वहां पर फैल रही थी। तो मेरा ये पर्पज ये था कि यार लोगों को एटलीस्ट ये तो बताया जाए कि इससे कोई भी नुकसान नहीं होता, और जो कोर्ट का जो फैसला है उन्होंने ये बात साबित कर दी कि जो इन्होंने पब्लिसिटी स्टंट किया है उसके लिए इन्होंने 20 लाख रुपए लगा, जो लोगों के लिए ये एक तरीके से ऐसा जजमेंट है, समझ पाएंगे कि पब्लिसिटी के नाम पर कुछ भी फैला सकते हैं ये सेलिब्रिटी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में, ये बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि इनकी ये गलत न्यूज कितने लोगों पर प्रभाव डालेगी, लेकिन नहीं, इनको एक पब्लिसिटी स्टंट करना है, इनको अपने आप को लोगों के सामने ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि ये तो लोगों की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, ये तो जीव जंतुओं की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, ये तो बहुत बड़े पर्यावरणकर्ता हैं, इनको बस इनके पास नॉलेज का भंडार है, ये अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअल में इनके पास कुछ नहीं है, व्हाट्सएप से ज्ञान लेते हैं और यहां पर आके याचिका दायर कर देते हैं। तो बहुत बढ़िया जजमेंट आया है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, और कोई भी पोस्ट शेयर करने से पहले प्लीज एक बार आप अपने लेवल के ऊपर उस चीज को सर्च जरूर कर लें, उसको पढ़ लें, उसको ध्यान से देख लें कि हाँ वो चीज सही है या गलत है, क्योंकि बहुत सारी फेक चीजें चल रही हैं, फेसबुक के ऊपर पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। जब मैंने ये सब चीजें देखी तो लगा कि यार हाँ इसके ऊपर वीडियो बनानी बनती है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।